This call is now being recorded. तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सत्यम, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ऑफ योर माइक्रोफोन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन ऑन योर माइक्रोफोन एंड आस्क योर क्वेरीज। यस, otherwise off your microphone during the lecture, and if you have any queries then on your microphone and ask queries, your queries. Okay, and if you do not understand my lecture then you can tell your queries. अरे सर तो चले गए, रिकॉर्डिंग अब भी चल रही है। दूसरे आईडी से ज्वाइन हो रहे सर। So my screen is visible? Yes, sir. So. So, in the last class, we have discussed about the projection of line. You know, different possibilities here. They say, in the first case, in this case, so just in this case, first case, in this case the line is parallel to one plane and perpendicular to the another plane. Parallel to this vertical plane, you know, this vertical plane se parallel hai and horizontal plane se perpendicular hai. तो इसका अगर प्रोजेक्शन करूंगा तो इसी टाइप मिलेगा, मीन्स फ्रंट व्यू में इसी टाइप मिलेगा। एंड ये जो लाइन है एबी लाइन, दिस एबी लाइन इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन। सो एज दिस लाइन इज पैरेलल टू वन प्लेन, सो वील गेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस लाइन, है ना। इसी लाइन के एक्चुअल लेंथ मिलेगा। In the second case, the line is parallel to both the plane, you know, both the planes means the line is parallel to the vertical plane and also parallel to this horizontal plane. Okay, so in this case also we will get the actual length of the line, means line ka jo actual length hai, actual length milega. Kyun? Kyunki ye jo line hai, line AB, AB is parallel to both the vertical plane and horizontal plane. Horizontal plane se bhi parallel hai and vertical plane se bhi parallel hai. Okay, so and in case 3, this case also, in this case the line is parallel to this vertical plane. Vertical plane se parallel hai, vertical plane hai, vertical plane se parallel hai, but
हॉराइजेंटल प्लेन से इंक्लाइंड है. ओके सो इन केस थ्री द लाइन इज पैरेलल टू वन प्लेन एंड इंक्लाइंड टू द इंक्लाइंड विथ रेस्पेक्ट टू द अनदर प्लेन. ओके सो इन दिस केस प्रोजेक्शन कैसे मिलेगा? फ्रंट व्यू में मिलेगा. ऐसे इस टाइप की फ्रंट व्यू मिलेगा ए ए प्राइम एंड टॉप व्यू मिलेगा ऐसे टॉप व्यू में ए एंड बी. ओके तो एज दिस लाइन इज पैरेलल टू वन प्लेन मीन पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन सो इन दिस केस ऑल्सो वील गेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन इन इन वर्टिकल प्लेन. ओके इन वर्टिकल प्लेन वील गेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन. क्यों क्यों एक्चुअल लेंथ मिलेगा? क्योंकि ये लाइन लाइन ए भी पैरेलल है वर्टिकल प्लेन से. बट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन मीन्स इन टॉप व्यू में इसका ओरिजिनल लेंथ मिलेगा? ओरिजिनल लेंथ नहीं मिलेगा. क्यों क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये लाइन लाइन ए भी इंक्लाइंड है. ओके हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है. ओके इंक्लाइंड है मीन्स इसका जो लेंथ है लेंथ घट गया. तो जो ए बी का जो लेंथ है इसमें ए बी जो लाइन मिल रहा है ये लाइन सेम नहीं है. ओके जो लाइन है लाइन का लेंथ घट गया है ना. इन केस फोर इन दिस केस ऑल्सो द लाइन इज पैरेलल टू दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके सो दिस लाइन लाइन ए बी इज पैरेलल टू दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके सो इन केस फोर द लाइन ए बी इज पैरेलल टू दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके लाइन ए बी जो लाइन है ये पैरेलल है हॉरिजॉन्टल प्लेन से बट इंक्लाइंड विथ रेस्पेक्ट टू दिस वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन के रेस्पेक्ट में इंक्लाइंड है. ओके तो दिस एंगल में भी 30, 40, 45, 50 अप टू 90 डिग्री तक. ओके सो एज लाइन ए बी इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन सो वील गेट द एक्चुअल लेंथ और ओरिजिनल लेंथ ऑफ द लाइन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसको एक्चुअल वैल्यू मिलेगा. बट इन फ्रंट व्यू में एक्चुअल वैल्यू मिलेगा? नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि लाइन इंक्लाइंड है मीन्स थोड़ा सा इन फ्रंट है मीन्स जो बी पॉइंट है बी पॉइंट इज सो मच फार फ्रॉम दिस वर्टिकल प्लेन है ना. वर्टिकल प्लेन से ज़्यादा डिस्टेंस है कंपेयर टू द पॉइंट ए. ओके पॉइंट ए जो है द डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस वर्टिकल प्लेन is less compared to the point हेलो, आवाज़ नहीं आ रही.
हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर आ रही है। यस हाँ हाँ आ सर रही है। बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है नेटवर्क कनेक्शन। So up to this clear or not? यस सर। किसी को डाउट है? हेलो, किसी को डाउट है? कोई कोई क्वेरीज है अभी? ओके, सो इन केस 5, सो इन दिस केस द लाइन इज इंक्लाइंड विथ रेस्पेक्ट टू बोथ द प्लेन, मीन्स वर्टिकल प्लेन से रेस्पेक्ट में भी इंक्लाइंड है एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी इंक्लाइंड है। ओके, सो लाइन ए बी इज इंक्लाइंड विथ रेस्पेक्ट टू बोथ वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजेंटल प्लेन। सो इन दिस केस विल नॉट गेट द एक्चुअल लेंथ और ओरिजिनल लेंथ ऑफ द लाइन आइदर इन बोथ द प्लेन, मीन्स हॉरिजेंटल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, कोई भी प्लेन में इसी केस में लाइन ए बी का एक्चुअल लेंथ नहीं मिलेगा। क्लियर? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जस्ट थिंक, पॉइंट ए जो है, दिस पॉइंट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस वर्टिकल प्लेन, जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज लेस कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, है ना? जो बी पॉइंट है, दिस बी पॉइंट इज सो मच फार और सो मच इन फ्रंट फ्रॉम दिस वर्टिकल प्लेन कंपेयर टू द पॉइंट ए, है ना? पॉइंट बी जो है, दिस बी पॉइंट इज सो मच इन फ्रंट फ्रॉम दिस वर्टिकल प्लेन कंपेयर टू द पॉइंट ए। तो अगर मैं फ्रंट व्यू लूंगा तो इसका जो ओरिजिनल लेंथ है, लेंथ ए बी, विल नॉट गेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए बी, है ना? ये ओरिजिनल लेंथ नहीं है। जो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ से थोड़ा सा कम मिलेगा। ओके, इन टॉप व्यू ऑल्सो, अगर मैं टॉप व्यू लूंगा, सो इन टॉप व्यू ऑल्सो द पॉइंट ए, द डिस्टेंस फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन पॉइंट ए इज लेस कंपेयर टू द पॉइंट बी। पॉइंट बी जो पॉइंट है, इज सो मच फार अवे फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ज्यादा ऊपर है। सो अगर मैं टॉप व्यू लूंगा तो ए बी लाइन का जो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ नहीं मिलेगा। ओके, उससे छोटा मिलेगा। क्लियर? सो इन दिस केस, मीन केस 5, इफ द लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन, मीन बोथ आइदर बोथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, देन इन प्रोजेक्शन लाइंस विल नॉट गेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन और ओरिजिनल लेंथ ऑफ द लाइन। ओके, सो इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द लाइन, लाइन का जो ओरिजिनल लेंथ है वो फाइंड करना है। ओके, प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है, जिस कंडीशन में लाइन है उसी कंडीशन में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है। ये जो लाइन है, दिस ए प्राइम, बी प्राइम एंड ए बी, ये जो लाइन है, दोनों लाइन, दिस लाइन्स आर द प्रोजेक्शन लाइन्स ऑफ लाइन ए बी। ओके, इन
वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में एबी लाइन का प्रोजेक्शन लाइन है, क्लियर। इसी एबी लाइन का ये जो प्रोजेक्शन लाइन है, इसी प्रोजेक्शन लाइन से इसका ट्रू लेंथ निकालना है, ट्रू लेंथ और एक्चुअल लेंथ और ओरिजिनल लेंथ ऑफ लाइन एबी निकालना है। हाउ विल फाइंड आउट द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कैसे फाइंड करूंगा? सो इन प्रीवियस स्लाइड, अगर मैं इसी स्लाइड को कंसीडर करूंगा, तो इसी स्लाइड में क्या है, ओरिजिनल लेंथ निकालने के लिए लाइन को इनसे एबी लाइन को किसी एक लाइन से पैरेलल होना है। पैरेलल होना है मींस जस्ट सी हियर, ये जो एबी लाइन है ना, इन टॉप व्यू मींस हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो एबी लाइन मिल रहा है, ए एबी लाइन इज पैरेलल टू दिस एक्स वाई लाइन, है ना, जो रेफरेंस लाइन है एक्स वाई लाइन, एक्स वाई जो रेफरेंस लाइन है उसी लाइन का पैरेलल है। ओके, सो अगर मुझे एक्चुअल लेंथ और ट्रू लेंथ निकालना है, तो इसी टाइप की एक पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है इनसे, पैरेलल लाइन टू दिस एक्स वाई लाइन और रेफरेंस लाइन, है ना। अगर मैं इसी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर पाऊंगा, देन वी कैन फाइंड आउट द एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन ए बी, ओके, और ट्रू लेंथ ऑफ लाइन ए बी, क्लियर। तो कैसे करूंगा, व्हाट इज प्रोसीड्यूर? सो इन दिस केस दिस इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन में लाइन ए बी का प्रोजेक्शन है, ओके। मींस लाइन ए बी, इन दिस केस लाइन ए बी इज इंक्लाइंड विद रिस्पेक्ट टू बोथ द प्लेन्स, ओके। लाइन ए बी इज इंक्लाइंड विथ रेस्पेक्ट टू बोथ द प्लेन्स, ओके। और इफ द लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स, देन इसी टाइप की प्रोजेक्शन मिलेगा, है ना। सो दिस इज नथिंग बट द केस ऑफ दिस इसी टाइप, ओके। नाउ इसी प्रोजेक्शन से मुझे लाइन ए बी का ट्रू लेंथ निकालना है, कैसे, हाउ कैन वी फाइंड आउट? सो फर्स्ट जो मैंने बताया, फर्स्ट एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, मीन्स अगर मुझे वर्टिकल प्लेन में लाइन का ट्रू लेंथ लेना है, देन वी हैव टू ड्रॉ ए पैरेलल लाइन ऑफ लाइन ए बी, पैरेलल लाइन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, मीन्स रेफरेंस लाइन जो है, इसी लाइन की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ओके, ए बी। कैसे ड्रॉ करूंगा, ए प्रोजेक्शन लाइन है ना, ए प्राइम बी प्राइम, ए एंड बी, ए प्रोजेक्शन लाइन मिला है, जो ए बी लाइन है इसी लाइन को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, एक्स वाई लाइन की पैरेलल लाइन, बट द लेंथ ऑफ ए बी रिमेन्स सेम, मीन्स ए बी का जो लेंथ है उसी लेंथ ही रहेगा, बट मुझे एक्स वाई लाइन की पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, जो एक्स वाई लाइन है इसी लाइन की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, इसे ड्रॉ करूंगा। इन दिस केस वी हैव टू मेजर फर्स्ट ए बी, ए बी का जितना लेंथ है इसी लेंथ को मेजर करना है बाय द डिवाइडर और कंपास, ओके, इसी को कंपास और डिवाइडर से मेजर करना है, एंड
विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, ए पॉइंट से कंपास को इनसीसी ए बी लेंथ को मेजर करके कंपास से ऐसे एक आर्क ड्रॉ करना है. ओके एंड एंड वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू दिस एक्स वाई लाइन. एक्स वाई लाइन से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है एंड दिस लाइन विल पास थ्रू दिस पॉइंट ए. ओके पॉइंट ए से पास होगा. ओके बट दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एक्स वाई लाइन. ओके दिस दिस एक्चुअली दिस लाइन इज कॉल्ड द लोकस ऑफ ए. लोकस ऑफ ए लोकस ऑफ ए. ओके सो लोकस ऑफ ए मीन्स दिस इज द नथिंग दिस दिस मीन्स नथिंग दिस इज द ए लाइन विच लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ए एंड पैरेलल टू दिस रेफरेंस लाइन. ओके सो इसी लाइन के ऊपर जितने सारे पॉइंट है ऑल द पॉइंट्स आर मीन्स सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्स वाई लाइन. एक्स वाई लाइन से सेम डिस्टेंस भी है. ओके तो इसे एक लाइन ड्रॉ किया एंड ए बी लाइन मेजर करके बाय द हेल्प ऑफ डिवाइडर और कंपास एक आर्क ड्रॉ किया है ना. नाउ ए आर्क दिस आर्क एंड ये जो पैरेलल लाइन जहाँ काटिंग काट कर रहे हैं दिस दिस इज नथिंग बट द पॉइंट मीन्स बी टू पॉइंट बी टू. सो ए एंड बी टू का जितना लेंथ है दिस लेंथ इज सेम टू दिस द लेंथ ऑफ ए बी. ए बी का जितना लेंथ है ए बी टू का लेंथ सेम है. ओके एंड दिस ए बी ए बी टू लाइन इज पैरेलल टू दिस एक्स वाई लाइन और रेफरेंस लाइन. नाउ बी पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है. ओके तो बी पॉइंट से मैं प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया. क्लियर प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया. नाउ प्रोजेक्शन लाइन इन वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन में जो प्रोजेक्शन लाइन था प्रोजेक्शन लाइन मीन्स ए प्राइम एंड बी प्राइम. ए प्राइम एंड बी प्राइम इज द प्रोजेक्शन लाइन ऑफ लाइन ए बी ऑन वर्टिकल प्लेन. ओके ए प्राइम बी प्राइम प्राइम दिया जाता है वर्टिकल प्लेन में है ना. जो नोटेशन है ए बी इसका प्राइम मिलता है वर्टिकल प्लेन में एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में जस्ट ए बी दिया जाता है ना. तो ए प्राइम बी प्राइम इज एक्चुअली द प्रोजेक्शन लाइन ऑफ लाइन ए बी. दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी. ये प्रोजेक्शन लाइन है वर्टिकल प्लेन में जो प्रोजेक्शन लाइन मिला था. क्लियर मीन्स दिस लाइन. ओके ए प्राइम बी प्राइम जो ए प्राइम बी प्राइम है. नाउ इसका ट्रू लेंथ निकालना है. तो ये प्रोजेक्शन लाइन मुझे मिल गया बी टू बी वन अभी मुझे ये जो बी वन प्राइम है इसी पॉइंट को फाइंड आउट करना है. बी वन प्राइम जो पॉइंट है बी वन पॉइंट बी वन प्राइम इसी पॉइंट को फाइंड आउट करना है. कैसे करूंगा ए बी लाइन का जो बी पॉइंट है बी पॉइंट जो बी पॉइंट है दिस बी पॉइंट चलिए दिस बी पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन से जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस पे ही रहेगा है ना. मैं लाइन को कितना एंगल में मैं इंक्लाइन करूं बट ये जो बी पॉइंट है बी पॉइंट का प्रोजेक्शन ट्रू लेंथ
और जो प्रोजेक्शन लेंथ उसी हाइट पे ही रहेगा, क्लियर। तो इसी हाइट पे ही रहेगा, मीन्स इसी डिस्टेंस पे ही रहेगा जो बी प्राइम है। नाउ ये जो बी प्राइम है, बी प्राइम से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, एक्स वाई जो रेफरेंस लाइन है, दिस एक्स वाई रेफरेंस लाइन, इसी लाइन का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, व्हिच लाइन विल पास थ्रू दिस पॉइंट बी प्राइम। ओके, एंड ये जो बी टू से जो प्रोजेक्शन लाइन मैंने ड्रॉ किया, एंड दिस पैरेलल लाइन जहाँ इंटरसेक्शन होगा, दिस पॉइंट इज नथिंग बट द पी वन प्राइम, एंड दिस ए प्राइम एंड बी वन प्राइम इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन ए बी और ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन ए बी। क्लियर। सो दिस ए प्राइम एंड बी वन प्राइम जो लाइन मिला, दिस लाइन इज द एक्चुअल और ट्रू लेंथ ऑफ लाइन ए बी इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में मुझे मिला है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी ए प्राइम बी वन प्राइम का मीन्स इसी टाइप एक्चुअल लेंथ निकालना है। क्लियर। वर्टिकल प्लेन में मिला है, अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी उसको निकालना है। प्रोसीड्यूर इज सेम, सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करूंगा। सेम प्रोसीड्यूर मीन्स जो ए प्राइम तो प्रोजेक्शन लाइन था ए प्राइम बी वन प्राइम इस प्रोजेक्शन लाइन। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ पैरेलल लाइन विथ रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लाइन एक्स वाई लाइन। इसी रेफरेंस लाइन का एक लाइन ड्रॉ करना है जिसका लेंथ होगा ए प्राइम बी प्राइम का सेम लेंथ। ओके, तो ए प्राइम जो पॉइंट है, इसी पॉइंट से बी पॉइंट तक जितना डिस्टेंस है इसको मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर और कंपास, एंड विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए एक आर्क खींचना है इसे। ओके, एक आर्क खींचना है एंड बी प्राइम जो है एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्स वाई लाइन, विच लाइन विल पास थ्रू दिस बी प्राइम, एंड ये जो आर्क जहाँ काट होगा दिस इज नथिंग बट द पैरेलल लाइन थी पैरेलल लाइन ऑफ लाइन एक्स वाई बट हैविंग द लेंथ ऑफ ए प्राइम एंड बी प्राइम। ओके, तो ए लाइन मुझे मिल गया। अभी इसी पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है। प्रोजेक्शन लाइन मीन्स दिस लाइन एक्चुअली नथिंग बट द वर्टिकल लाइन और परपेंडिकुलर टू दिस एक्स वाई लाइन। प्रोजेक्शन मीन्स परपेंडिकुलर टू दिस एक्स वाई लाइन और वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है प्रोजेक्शन लाइन। एंड ए बी जो प्रोजेक्शन लाइन था, ए बी पॉइंट से एक लाइन खींचना है व्हिच लाइन इज पैरेलल टू दिस एक्स वाई लाइन।
ओके, एक्स लाइन की पैरेलल लाइन है। हाँ, अभी जहाँ काट होगा दिस पैरेलल लाइन एंड दिस प्रोजेक्शन लाइन, जहाँ इंटरसेक्शन होगा, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज नथिंग बट द बी वन। ओके, नाउ दिस ए पॉइंट ए एंड बी वन ज्वाइन करना है, ए एंड बी वन ज्वाइन करना है। सो दिस इज द एक्चुअल लेंथ और ट्रू लेंथ ऑफ लाइन ए बी। क्लियर? हेलो, हेलो सर। कोई क्वेरी है किसी को? मीन्स ऑल क्लियर और नॉट? यस सर, लोकस एक बार बता दीजिए, लोकस समझ नहीं आया है लोकस वो क्या इसमें। लोकस लोकस एक्चुअली सपोज इफ आई टेल द लोकस ऑफ ए, तो लोकस ऑफ ए मीन्स पॉइंट, एक लाइन खींचना है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस रेफरेंस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ए। ओके, इसे लाइन खींचना है, जैसे मैं लाइन खींच रहा हूँ, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एक्स वाई लाइन। ओके, एक्स वाई लाइन इज एक्चुअली रेफरेंस लाइन, इसी लाइन का एक पैरेलल लाइन खींचना है एंड दिस लाइन विल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ए, देन दिस लाइन इज कॉल्ड द लोकस ऑफ ए। ओके, लोकस ऑफ ए मीन्स पॉइंट ए का जो जितना डिस्टेंस है, मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्स वाई लाइन, एक्स वाई लाइन से जितना डिस्टेंस है, ओके, इसी लाइन पर जितने सारे पॉइंट होगा, इसी लाइन पर जितने सारे पॉइंट है, ऑल द पॉइंट्स आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्स वाई लाइन और रेफरेंस लाइन, एक्स वाई लाइन और रेफरेंस लाइन से सेम डिस्टेंस पे है ना, जितने सारे पॉइंट है इसी लाइन बराबर, जितने सारे पॉइंट है, ऑल द पॉइंट्स आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्स वाई लाइन, दैट्स व्हाई दिस लाइन इज कॉल्ड लोकस ऑफ ए। क्लियर? यस सर। ओके, सो इसे लोकस ऑफ ए ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट इसे लोकस ऑफ ए ड्रॉ करना है एंड ए बी का जितना लेंथ है, सेम लेंथ उसी लोकस बराबर लेना है, मीन्स ए बी टू। कैसे लूंगा? विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर और कंपास। ए बी लेंथ था, ए से बेस करके डिवाइडर से ऐसे आर्क खींच दिया एंड ये जो मैंने लोकस ड्रॉ किया था है ना, उसी लोकस पर जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, ए आर्क दिस इज नथिंग बट द बी टू। तो ए बी टू का जितना लेंथ है, ए बी का सेम लेंथ ही होगा, है कि नहीं? एंड ए बी टू इज पैरेलल टू दिस एक्स वाई लाइन, एक्स वाई लाइन का पैरेलल लाइन थे, है कि नहीं? ए बी टू का जो लाइन है, ए बी टू है दिस ब्लू लाइन, इज द पैरेलल टू दिस एक्स वाई लाइन, एंड अगर मैं एक्स वाई लाइन का पैरेलल लाइन ड्रॉ कर पाऊंगा, देन वी कैन फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन ऑन ऑन द अनदर प्लेन। मैंने मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में पैरेलल लाइन ड्रॉ किया,
सो वी विल गेट द ट्रू लेंथ इन वर्टिकल प्लेन, है ना। जैसे इन दिस केस एक पैरेलल लाइन मुझे मिला था, है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में पैरेलल लाइन मिला था। अगर मैं पैरेलल लाइन टू दिस रेफरेंस लाइंस ड्रॉ कर पाऊंगा, देन विल गेट द ट्रू लेंथ ऑन द अनदर प्लेन इन वर्टिकल प्लेन। क्लियर? सो ट्रू लेंथ निकालने के लिए फर्स्ट एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, पैरेलल लाइन टू दिस रेफरेंस लाइन। ओके, देन बी पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन खींचना है, इसे प्रोजेक्शन लाइन खींच दिया। एंड जो बी प्राइम है, बी प्राइम से इस बी प्राइम का लोकस ऑफ बी प्राइम ड्रॉ करना है, लोकस ऑफ बी प्राइम। अभी लोकस ऑफ बी प्राइम एंड ए प्रोजेक्शन लाइन जहाँ इंटरसेक्शन होगा, दिस पॉइंट इज बी वन प्राइम एंड ए प्राइम, दिस ए प्राइम एंड बी वन प्राइम इज नथिंग बट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन। क्लियर? यस सर। सो एक्चुअल लेंथ कौन सा प्लेन में मिला है मुझे? पार्टिकल प्लेन में मिला है ना। हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसे निकालूंगा? सेम प्रोसीड्यूर है। यस सर। कैसे निकालूंगा? जस्ट ए प्राइम बी प्राइम का सेम सेम लेंथ का एक लाइन ड्रॉ करना है। दिस एक्चुअली ए बी टू प्राइम, ओके, दिस लाइन ए बी टू लाइन ड्रॉ करना है, ओके, सेम लेंथ का ड्रॉ करना है। एंड इसी पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन खींचना है, ओके। नाउ बी जो पॉइंट है, बी पॉइंट मीन्स लोकस ऑफ बी ड्रॉ करना है। लोकस ऑफ बी मीन्स बी पॉइंट से एक लाइन पास होगा, व्हिच लाइन इज पैरेलल टू दिस रेफरेंस लाइन। तो लोकस ऑफ बी ड्रॉ करना है एंड लोकस ऑफ बी जहां इंटरसेक्शन होगा, दिस इज द प्रोजेक्शन लाइन एंड लोकस ऑफ लाइन है जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, दिस इज बी वन एंड दिस ए बी वन इज द एक्चुअल लेंथ। क्लियर? डाउट है किसी को? नो सर। डाउट है? नो। ओके, तो ड्रॉ कर पाओगे सब? पता नहीं सर, ड्रॉ कर पाएंगे नहीं। नहीं बताओ, अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि ये ड्रॉ करना है उसको हमें। ना तो यार गलती भरी जा रही हो, सही हुई ना रही। अगर किसी का डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क योर क्वेरी। अगर क्लियर नहीं हो रहे तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते, सर मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये होम असाइनमेंट दिया जाएगा, सबको होम असाइनमेंट पूरा करके कॉल पॉल में अपलोड करना है। अभी ऑफलाइन क्लास नहीं हो रहा है, अगर ऑफलाइन होता तो यह ड्राइंग हो जाता, बट अभी घर पे ड्राइंग करके कॉल पॉल में उसको अपलोड करना है। सर बता, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं मुझे, सर मुझे ये डाउट। हाँ बताओ सर, कह रहे जो आप। हाँ सर, हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताओ सर। आप कह रहे जैसे कि असाइनमेंट में दिया जाएगा, इसको ड्रॉ करना होगा सर, तो हमारे पास तो ड्राइंग टेबल तो है नहीं।
नहीं, ड्राइंग ड्राइंग पेपर का जरूरत नहीं है बेटा। A4 जो पेपर है ना, A4 में ड्रॉ कर सकते हो। अभी ड्राइंग जो ऑफलाइन हो रहा है, अगर ऑनलाइन हो रहा है, अगर ऑफलाइन होता तो ड्राइंग शीट में ड्राइंग करना पड़ता। अभी ऑफलाइन ऑफलाइन नहीं हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तो यू कैन ड्रॉ यानी A4 शीट पेपर। A4 ओके शीट सर, पेपर तो है आपके पास, अगर यस नहीं सर, है तो इसका कोई भी स्टेशनरी शॉप से A4 शीट पेपर खरीद लेना। एंड A4 शीट से ही ड्रॉ करके जो कोलपोल है, कोलपोल में अपलोड करना। मैं कोलपोल में असाइनमेंट सेक्शन एक होता है, असाइनमेंट सेक्शन, वो पता है? मैं बता दूंगा कैसे असाइनमेंट अपलोड किया जाता है। क्लियर? यस सर, ओके सर, बट अगर किसको डाउट है तो पूछ सकता है। मीन्स सर मुझे क्लियर नहीं है, आप फिर से बता दो तो मैं बता दूंगा इसको। इतना तो क्लियर है कि नहीं? मैं डिस्कस करूंगा, मीन्स एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा यस कैसे सर, ड्रॉ किया जाता है। ओके okay. मैं एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, फोर डिफरेंट एग्जाम्पल मैंने बताऊंगा कैसे ड्रॉ करना है। उससे पहले सम नोटेशंस, कुछ नोटेशंस है जिसको ध्यान देना है। ओके okay. जैसे जैसे ट्रू लेंथ मैंने बताया ना, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन ए बी। ओके दिस ट्रू लेंथ, सो ट्रू लेंथ कौन ट्रू लेंथ है? दिस ए प्राइम एंड B1 प्राइम, ए प्राइम एंड B1 प्राइम जो लाइन है, दिस लाइन ए प्राइम एंड B1 प्राइम एंड ए एंड B1। ओके दिस टू आर द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन ए बी। ओके दिस आर द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन ए बी। अगर मैं ए प्राइम एंड B1 प्राइम एंड ए एंड B1 अगर मेजर करूंगा तो दोनों लाइन के सेम मिलेगा। ओके सपोज दिस ए प्राइम एंड बी प्राइम मेजरमेंट करने के बाद 100 mm मिल रहा है, हंड्रेड एम एम मिल रहा है। इन दिस केस ऑल्सो विल गेट A B1 इज 100 mm। सर आवाज बहुत कट कट के आ रही है। आवाज कट कट क्या रहे? हाँ जी, बीच बीच में चली जाती है। नेटवर्क तो फूट रहा है, अब बीच बीच में नेटवर्क का डिस्टरबेंस हो रहा है, इसलिए हो सकता है। अभी आ रहा है आवाज सही? हाँ जी, हेलो, हाँ, सत्यम देव नेटवर्क में प्रॉब्लम है, हम सबको तो सही आ रही तो मेरी होगी भाई। चल है, मुझे तो सही आ रही है। सही है, सुन लेते। ओके सो टू लेंथ इज डिनोटेड फॉर दिस ए प्राइम B1 प्राइम एंड ए बी लाइन इज द ट्रू लेंथ और ट्रू लाइन ऑफ लाइन ए बी। क्लियर? ट्रू लाइन ऑफ लाइन ए बी एंड ए जो ट्रू लाइन HP के साथ कितना एंगल किया है, मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन के साथ कितना एंगल किया है। तो HP के साथ जो एंगल किया है, मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल किया है, वो कौन सा प्लेन में मिलेगा? ये ट्रू लाइन है, मीन्स लाइन ए बी, ए बी ए बी जो लाइन है वो तो ट्रू लाइन है ना, उसको अगर प्रोजेक्शन लूंगा तो ए प्राइम बी वर्टिकल प्राइम प्लेन मिलता में। है। हाँ वर्टिकल प्लेन में, तो ट्रू टू लाइन जो हॉरिजेंटल प्लेन से रेस्पेक्ट में जितना एंगल कर रहा है, दिस एंगल विल गेट इन वर्टिकल प्लेन। ओके दैट इज हिज थीटा।
एंड दिस टू लाइन मेक द एंगल और इंक्लाइंड वर्टिकल प्लेन से विच मीन्स इंक्लाइंड विच रेस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन, अगर वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है तो इंक्लिनेशन कहाँ मिलेगा? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेगा. गुड, सो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका इंक्लिनेशन मिलेगा, दैट इज फाई. ओके, सो दिस थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ट्रू लेंथ विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड फाई इज द एंगल ऑफ ट्रू लेंथ विथ वर्टिकल प्लेन. क्लियर? बट ये जो अल्फा है, दिस अल्फा इज एंगल ऑफ फ्रंट व्यू. ओके, फ्रंट व्यू मीन्स वर्टिकल प्लेन में मिलेगा. क्लियर नॉट? फ्रंट व्यू कहाँ मिलेगा? वर्टिकल प्लेन में मिलेगा. तो दिस इज एक्चुअली द एंगल ऑफ फ्रंट व्यू विथ एक्स वाई, मीन्स लाइन ए बी वर्टिकल प्लेन में कितना एंगल कर रहा है, दैट इज अल्फा. क्लियर? मीन्स लाइन ए बी मीन प्रोजेक्शन लाइन वर्टिकल प्लेन में एक्स वाई रेस्पेक्ट में कितना एंगल कर रहा है, दैट इज अल्फा. एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन मीन्स टॉप व्यू, टॉप व्यू में लाइन ए बी एक्स वाई के साथ कितना एंगल किया है, दैट इज बीटा. क्लियर? सो फ्रंट व्यू में लाइन ए बी एक्स वाई के साथ कितना एंगल कर रहा है, दैट इज अल्फा. एंड टॉप व्यू में लाइन ए बी ही एक्स वाई के साथ कितना एंगल किया है, दैट इज बीटा. सो डिफरेंस पता चल रहा है ना, मीन्स थीटा फाइ एंड अल्फा बीटा का डिफरेंस. हेलो, यस सर. क्लियर? मीन्स डिफरेंस क्लियर है ना? डिफरेंस क्लियर है ना? यस सर. थीटा एंड फाइ जो है, दैट थीटा एंड फाइ ट्रू लेंथ के साथ, मीन्स लाइन का ट्रू लेंथ के साथ, मीन्स ट्रू लेंथ के साथ कितना एंगल किया है विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन. एंड अल्फा बीटा, उस अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा लाइन का जो मीन्स जो प्रोजेक्शन लाइन है, उस वो प्रोजेक्शन लाइन एक्स वाई के साथ कितना एंगल किया है. क्लियर? इसके अलावा और कुछ नोटेशन है, जैसे ए प्राइम, पॉइंट ए प्राइम, दिस पॉइंट ए प्राइम मीन्स एक्स वाई लाइन से कितना डिस्टेंस है ना, एक्स वाई लाइन से कितना डिस्टेंस है, तो इसका मीनिंग क्या है? तो ये वर्टिकल प्लेन में मिल रहा है, मीन्स किसका रेफरेंस लेना पड़ेगा? हेलो, जो ए प्राइम पॉइंट है, ए प्राइम पॉइंट का क्या मीनिंग है? मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्स वाई लाइन, एक्स वाई लाइन से ये जो डिस्टेंस है ए प्राइम का, इसका मीनिंग क्या है, कोई बता सकते है? फ्रंट व्यू है वो पॉइंट का. पॉइंट तो है, ए प्राइम एक पॉइंट है, इवन ए पॉइंट एक्स वाई लाइन से कुछ डिस्टेंस पे है ना. सपोज दिस डिस्टेंस इज 10 mm, तो इसका मीनिंग क्या है? वो रेफरेंस लाइन से सेंटीमीटर अबव होगा वर्टिकल प्लेन में. नहीं, वो तो है ना, एक्स वाई रेफरेंस लाइन से 10 mm अबव है, बट इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? देखो, ये वर्टिकल प्लेन में मिल रहा है, वर्टिकल प्लेन में मिल रहा है ना? यस सर. तो वर्टिकल प्लेन में मिल रहा है मींस किसका रेफरेंस लेना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन से रेफरेंस लेना पड़ेगा, मींस हॉरिजॉन्टल प्लेन मींस, तो मैं इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन से ए पॉइंट कितना अबव है. क्लियर और नॉट? यस सर. क्लियर? यस सर, क्लियर. सिमिलरली पॉइंट बी वन बी प्राइम, जो बी प्राइम पॉइंट बी प्राइम, तो दिस डिस्टेंस, सपोज दिस डिस्टेंस
इंच 40 mm, तो इसका मीनिंग क्या है मैम, ये बता सकते हैं? हेलो, यस सर, यस सर, इसका इसका मीनिंग क्या होगा फिर? वर्टिकल प्लेन में मीटर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 40 मतलब सेंटीमीटर mm? हाइट है। हाँ, गुड गुड। सो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 40 mm हाइट पे है ना। नाउ जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए सपोज दिस डिस्टेंस इज 15 mm, इसका मीनिंग क्या है? 15 mm, इसका मीनिंग क्या होगा फिर? सर ये वर्टिकल प्लेन से 50 mm मतलब डिस्टेंस पे है। हाँ, वर्टिकल प्लेन से, अगर वर्टिकल प्लेन का रेफरेंस लूंगा तो मींस इन फ्रंट है ना। वर्टिकल सारे जो प्रोजेक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में किया है, मींस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वर्टिकल प्लेन कहाँ रहेगा? लाइन से पीछे रहेगा है ना, लाइन से पीछे वर्टिकल प्लेन है ना। तो उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा? द पॉइंट ए इज इन फ्रंट from the vertical plane. Clear? Point A is in front from the vertical plane. And कितना in front में है? 15 mm in front है. 15 mm. Clear? Yes sir. Yes sir. Okay. So A prime, B and B prime is nothing but the distance of line and distance of point A and B. Clear? A जो ये जो लाइन है, ए ए बी लाइन है, ए बी लाइन का ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ओके, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट कितना वर्टिकल प्लेन से इन फ्रंट है? ओके, दैट इज कितना वर्टिकल प्लेन से इन फ्रंट है, दैट इज ए, एंड कितना हॉरिजॉन्टल प्लेन से अबव है, दैट इज ए प्राइम। Okay, so A prime is nothing but the distance of point A with respect to vertical plane and horizontal plane. Clear? Similarly, B and B prime, same. B and B prime is nothing but the position or distance of point B with respect to the vertical plane and horizontal plane. Clear? नाउ अभी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, कैसे हाउ ही फाइंड द एक्चुअल लेंथ और हाउ एक्चुअली हाउ ही सॉल्व द प्रॉब्लम, और असाइनमेंट जो दिया जाएगा कैसे सॉल्व करोगे। सो प्रॉब्लम फर्स्ट मीन फर्स्ट एग्जांपल, in this example line AB is 75 mm long and it is 30 degree and 40 degree inclined to horizontal plane and vertical plane respectively. Find A, sorry, and A is 12 mm above HP and 10 mm in front of BP. Draw the projections. Line is in first quadrant. First quadrant line is in first quadrant means first angle projection में draw करना है. Clear? So line AB is 75 mm long. So इसका meaning क्या है? This 75 mm is true length or projection length? 75 mm long means ये लाइन का ट्रू लेंथ है और प्रोजेक्शन लेंथ है, ये बता पाएंगे? ट्रू लेंथ। सो दी 75 इज एक्चुअली द ट्रू लेंथ है ना, ये ट्रू लेंथ है, एंड दिस ट्रू लेंथ मींस ट्रू लेंथ, सो इट इज 30 डिग्री एंड 40 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी, मींस एचपी के विद रिस्पेक्ट टू एचपी 30 डिग्री इंक्लाइंड है and with respect to vertical plane 40 degree inclined है। कौन सा line inclined है? True line inclined है।
क्लियर, ट्रू लाइन इंक्लाइंड है, प्रोजेक्शन लाइन नहीं, ट्रू लाइन इंक्लाइंड है। सो इसी प्रॉब्लम में ट्रू लाइन के बारे में बता दिया, ट्रू लाइन बता दिया, ट्रू लाइन बता दिया। जस्ट क्या करना है, प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है। जब मैं डिस्कस किया था जो कैसे ट्रू लाइन ड्रॉ करना है, तो इन दिस केस प्रोजेक्शन लाइन बता दिया था, है ना, प्रोजेक्शन लाइन। तो ए प्राइम बी प्राइम एंड ए बी जो प्रोजेक्शन लाइन है, इनसे लाइन ए बी, प्रोजेक्शन लाइन से लाइन ए बी का जो वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो व्यू है ये बता दिया था। तो दिस इज एक्चुअली प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन ए बी, प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन ए बी ये बता दिया था। इसे ट्रू लेंथ फाइंड करना था, इसे ट्रू लेंथ फाइंड किया। बट इसी प्रॉब्लम में ट्रू लेंथ बता दिया मुझे, ये प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है, ए प्राइम बी प्राइम एंड ए बी ड्रॉ करना है, क्लियर, ये ड्रॉ करना है। सो आई विल सॉल्व, सो दिस इज एक्चुअली जस्ट मैं रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करूंगा, क्लियर। ट्रू लेंथ निकालने के लिए जो प्रोसेस था, उसी प्रोसेस का जस्ट रिवर्स प्रोसेस में फॉलो करूंगा, है ना। तो ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट फर्स्ट मुझे रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है, एक्स वाई लाइन। इस रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया, इस रेफरेंस लाइन इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल लाइन, मींस पेपर का ए फोर पेपर का जो एज है, इसी एज का पैरेलल लाइन बनेगा। ओके क्लियर, इसी एज का पैरेलल लाइन बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ रेफरेंस लाइन, एक्स वाई लाइन ड्रॉ किया मैंने। अभी पॉइंट ए एंड पॉइंट ए प्राइम, पॉइंट ए एंड पॉइंट ए प्राइम मुझे फाइंड करना है, कहाँ है ए एंड ए प्राइम पॉइंट कहाँ है, ये मुझे फाइंड करना है। जस्ट सी ए एंड ए प्राइम जो है, दिस पॉइंट इसी वर्टिकल लाइन की बराबर ही रहेगा, है ना। तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, मीन्स फर्स्ट एक्स वाई लाइन मैंने ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन, देन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। नाउ पॉइंट ए प्राइम एंड ए इसको फाइंड करना है, पॉइंट ए कहाँ है, जस्ट तो बता दिया कहाँ है पॉइंट ए, पॉइंट एंड ए इज 10 mm अबव एच पी, 10 mm अबव एच पी मीन्स एच पी का रेफरेंस मिला, बता दिया। तो एच पी का रेफरेंस मीन्स कहाँ मिलेगा, वो वर्टिकल प्लेन में मिलेगा, वर्टिकल प्लेन है, क्लियर, वर्टिकल प्लेन में मिलेगा। सो एक्स वाई लाइन से 12 mm डिस्टेंस में ए प्राइम मिल जाएगा, तो जिस एक्स वाई लाइन से 12 mm डिस्टेंस में जिस 12 mm डिस्टेंस में ए प्राइम मिल जाएगा, जो ए प्राइम पॉइंट है, क्लियर। ए कहाँ मिलेगा, जिस ए मिलेगा जिस 10 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी, इन फ्रंट ऑफ बीपी मीन्स
हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेगा। इन फ्रंट ऑफ वीपी मीन्स हॉरिजॉन्टल टेन एम एम डिस्टेंस में ए मिल जाएगा। ए एन ए प्राइम मिल गया क्या? अभी लाइन ड्रॉ करना है, इसमें टू लाइन बता दिया, 70 एम एम टू लेंथ है ना, 70 एम एम टू लेंथ है, एंड दिस लाइन मेक्स 30 डिग्री एंगल विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन मीन्स वर्टिकल प्लेन में 30 डिग्री एंगल किया, मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन मीन्स कहाँ मिलेगा? वर्टिकल प्लेन में मिलेगा 30 डिग्री है ना। सो 30 डिग्री एंगल से एक लाइन ड्रॉ करना है, ए प्राइम पॉइंट से 30 डिग्री एंगल से एक लाइन ड्रॉ करना है, ओके, एंड डिवाइडर से 75 mm मेजर करके काट करना है, मींस ए प्राइम से बी वन प्राइम तक मेजर करके काट करना है। तो दिस एक्चुअली 75 mm ट्रू लेंथ 75 mm, ओके, एंड मेक एंगल विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन से रेस्पेक्ट में 30 डिग्री एंगल किया है, ओके, दिस 30 डिग्री एंगल किया है, एंड सेम लाइन 75 mm मेक 40 डिग्री एंगल विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन। सो वर्टिकल प्लेन में 40 डिग्री किया मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेगा, ओके, सो 45 डिग्री से और एक लाइन ड्रॉ करना है, ओके, 45 डिग्री से, सॉरी 40 डिग्री से और एक लाइन ड्रॉ किया इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके, दिस इज एक्चुअली फाइव, ओके, एंड 75 mm डिस्टेंस मेजर करके काट करना है। सो दिस ए बी वन इज द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन ए बी एंड दिस इज नथिंग बट 75 mm, ओके। नाउ प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है, प्रॉब्लम में ए बता दिया, अभी प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है। तो प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करने के लिए जस्ट रिवर्स प्रोसेस में फॉलो करूंगा। रिवर्स प्रोसेस मीन्स जो टू लेंथ निकालने के लिए क्या किया था, ये जो पॉइंट पी पॉइंट से ऐसे आर्क ड्रॉ किया था मैंने, क्या था ना, आर्क ड्रॉ किया था, ऐसे आर्क ड्रॉ किया था, देन लोकस ऑफ ए ड्रॉ किया था, ये जहां काट किया इंटरसेक्शन किया उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया था, एंड ए बी वन का जो लोकस है वहाँ जहाँ इंटरसेक्शन होगा वो टू लेंथ निकाल जाता है ना। बट रिवर्स प्रोसेस में का क्या करना है, रिवर्स प्रोसेस में ट्रू लेंथ बता दिया, ये ट्रू लेंथ है, तो इसी पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है, प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया
ए प्राइम का जो लोकस है यहाँ जरा इंटरसेक्शन हो रहा है, तो दिस इज एक्चुअली बी टू प्राइम. नाउ ए प्राइम एंड बी प्राइम, ए प्राइम एंड बी टू प्राइम मेजर करके एक सेम लेंथ का एक आर्क ड्रॉ करना है. सेम लेंथ का आर्क ड्रॉ करना है मीन्स डिवाइडर, विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर और कंपास से आर्क ड्रॉ करना है. एंड बी वन प्राइम जो है ये पॉइंट मुझे मिला था, है ना, बी वन प्राइम ये पॉइंट मुझे मिला था. तो बी वन प्राइम का लोकस ड्रॉ करना है. बी वन प्राइम का लोकस ड्रॉ किया एंड दिस आर्क एंड बी वन प्राइम का जो लोकस है जहाँ इंटरसेक्शन होगा दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज नथिंग बट बी प्राइम. नाउ यू हैव टू जॉइन ए प्राइम एंड बी प्राइम, ए प्राइम एंड बी प्राइम जॉइन करना है. ए प्राइम एंड बी प्राइम जॉइन किया, तो दिस ए प्राइम एंड बी प्राइम इज द प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन ए बी. एंड कौन सा प्लेन में मिला है, वर्टिकल प्लेन में मिला है. अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ करना है, ए बी लाइन का प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल प्लेन में. सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करूंगा. मुझे ए बी प्राइम मिला था, तो बी प्राइम से एक अदर सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करूंगा और जस्ट बी प्राइम से एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा. प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया एंड बी वन का लोकेस ड्रॉ करना है. बी वन का लोकेस ड्रॉ करना है मीन्स लोकेस मीन्स पैरेलल लाइन है. इस पैरेलल लाइन बी वन पॉइंट से पास हो रहा है एंड ये जो प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्शन होगा दस दिस पॉइंट इज बी. नाउ ए बी ड्रॉ ए पी, ए एंड बी ज्वाइन करना है. तो दिस ए बी इज द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी. क्लियर? हेलो. यस सर. सर किसी का डाउट? नो सर. ए ड्रॉप ऑफ नाउ अनदर प्रॉब्लम एग्जांपल टू. सो डिस्क्यूज सर. हाँ यस सर. ये मतलब ये जो आप करा रहे हो ये क्वेश्चन ये असाइनमेंट में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन? हाँ असाइनमेंट में यही क्वेश्चन, मैं यही सेम क्वेश्चन ही दूंगा. सेम ही दोगा आप? हाँ मैं सेम क्वेश्चन ही दूंगा बट इसको इसको ए फोर पेपर में ड्रॉ करके सॉल्यूशन स्टेप्स सर ये भी लिखने हैं? नहीं स्टेप्स लिखने कोई जरूरत नहीं है. स्टेप्स लिखने कोई नहीं है, स्टेप लिखना जरूरत नहीं है. जस्ट जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को ड्रॉ करके उसको फोटो खींच के असाइनमेंट सेक्शन कोलपुर का जो असाइनमेंट सेक्शन है वहां अपलोड करना है. क्लियर? और तुम्हारे पास जो हार्ड कॉपी जिसमें ड्रॉ कर रहे हो ए फोर शीट में वो हार्ड कॉपी तुम्हारे पास ही रखना, जब कैंपस आओगे मुझे दे देना. ठीक है? क्लियर? यस सर. जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा ना तो हार्ड कॉपी मुझे दे देना. ठीक है. ठीक यस सर. यार मैं सेम प्रॉब्लम ही दूंगा, हो सकता है उसमें वैल्यू चेंज हो सकता है. ये 40 के मतलब 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, मीन्स एंगल चेंज हो सकता है, लेंथ चेंज हो सकता है, पर प्रॉब्लम सेम ही रहेगा.
क्लियर। क्लियर, और किसी का डाउट है? नो सर। तो नाउ सेकंड जो प्रॉब्लम है उसमें आते हैं ना, सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड एग्जांपल। इन दिस केस प्रॉब्लम में क्या बताए, लाइन ए बी 75 mm लॉन्ग। सो लाइन ए बी 75 mm लॉन्ग मेक्स 45 डिग्री इंक्लिनेशन विथ वीपी व्हाइल इट्स फ्रंट व्यू मेक्स 55 डिग्री। ओके, एंड एंड ए इज 10 mm अबव एचपी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। If the line is in first quadrant, draw its projections and find its inclination with the horizontal plane. Okay, so in this case, the line AB is 75 mm long. So this 75 mm is true length or projection length? ए लाइन ए बी का 75 जो है, 75 mm, दिस 75 mm ट्रू लेंथ है और उसको प्रोजेक्शन लाइन का लेंथ है, कोई बता पाएंगे? हेलो, प्रोजेक्शन लाइन का लेंथ है? नो सर, ट्रू लेंथ है ये। आओ, ट्रू लेंथ है, वो बेटा ध्यान दो थोड़ा सा। ए ट्रू लेंथ है, लाइन ए बी इज 75 mm लॉन्ग, बता दिया प्रॉब्लम में 75 mm लॉन्ग है, लाइन ए बी इज 75 mm लॉन्ग, तो उसका मीनिंग क्या है? लाइन ए बी का ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ बता दिया। ओके, तो ट्रू लेंथ इज 75 mm। अभी दिस ट्रू लेंथ मेक्स 45 डिग्री इंक्लिनेशन विथ वीपी, मीन्स वर्टिकल प्लेन के साथ जितना इंक्लिनेशन किया है ट्रू लेंथ, दैट इज 45 डिग्री। तो वर्टिकल प्लेन के साथ इंक्लिनेशन किया मीन्स कौन सा प्लेन में मिलेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन। गुड, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेगा। सो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन दैट इज नथिंग बट फाई, है कि नहीं? दिस फाई ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन इन वर्टिकल प्लेन, ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन इन वर्टिकल प्लेन इज नथिंग बट द फाइ। तो फाइ बता दिया प्रॉब्लम में, एंड एंड और एक पॉइंट बताया, तो दिस लाइन, इसी लाइन का फ्रंट व्यू 55 डिग्री एंगल किया है, इट्स फ्रंट व्यू मेक्स 55 डिग्री, इसी लाइन का जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू 55 डिग्री एंगल किया है, किसके साथ एंगल किया है? एक्स वाई लाइन के साथ एंगल किया है। ओके, दिस लाइन ए बी का जो फ्रंट व्यू है, उसी फ्रंट व्यू मेक्स एंगल 55 डिग्री विथ द एक्स वाई लाइन। ओके, तो फ्रंट व्यू मीन्स मीन्स कौन सा एंगल होगा? ए 55 डिग्री एंगल, थीटा एंगल। थीटा एंगल? नो, थीटा एंगल नहीं है। थीटा एंगल क्या है? थीटा एंगल जो ओरिजिनल जो लाइन है, मीन्स लाइन ए बी, ए बी का जो लाइन ए बी, लाइन सर अल्फा एंगल, अल्फा एंगल सर, अल्फा है, थीटा नहीं है। थीटा क्यों नहीं है बता, मतलब थीटा नहीं है क्यों? कि ए एंगल लाइन का कोई प्लेन के साथ एंगल नहीं है, ए एक्स वाई लाइन के साथ एंगल है, मींस प्रोजेक्शन जो किया है प्रोजेक्शन लाइन का एंगल है, मींस अल्फा एंगल बता दिया है ना। और प्रॉब्लम में क्या बताओ, पॉइंट ए बताया, पॉइंट ए इज 10 mm अबव एचपी and 15 mm in front of VP. Okay. Now first XY line draw करना है, reference line.
मैं स्टेप बता रहा हूँ, इसको ध्यान देना। फर्स्ट मैंने एक्स वाई लाइन ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर दिया, कोई भी वर्टिकल लाइन मीन्स ऐसे नहीं वर्टिकल लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर सकता है, यहाँ भी ड्रॉ कर सकता है, यहाँ भी ड्रॉ कर सकता है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया मैंने। वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। नाउ पॉइंट ए एंड पॉइंट ए प्राइम फाइंड करना है। किस पॉइंट ए बता दिया जो एंड पॉइंट ए है, जिस पॉइंट ए 10 mm अबव एचपी। अबव एचपी मींस कौन सा प्लेन में मिलेगा? वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में मिलेगा मींस ए प्राइम 10 mm डिस्टेंस पे है एक्स वाई लाइन से। ओके, सो एक्स वाई लाइन से 10 mm डिस्टेंस से एक पॉइंट लेना है। नाउ 15 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी मींस हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेगा, क्लियर? तो 15 mm डिस्टेंस पे, 15 mm डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेना है, दिस पॉइंट इज ए। सो ओके, सो ए ए पॉइंट ए एंड ए प्राइम मिल गया। अभी ट्रू लेंथ ड्रॉ करना है। ट्रू लेंथ किसके साथ एंगल किया है? वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल किया है, 45 डिग्री एंगल किया है। सो वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल किया मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ करना है ना? तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल किस रेस्पेक्ट में 45 डिग्री? जो एक्स वाई लाइन है उसी लाइन रेस्पेक्ट में एक 45 डिग्री एंगल में एक लाइन ड्रॉ करना है, क्लियर? 45 डिग्री एंगल में मैंने एक लाइन ड्रॉ किया एंड इस लाइन का कितना लेंथ होगा? 75 mm, 75 mm लेंथ। तो 75 mm ए से 75 mm मेजर करके तो काट कर दिया मैंने। तो दिस ए एंड बी वन इज 75 mm एंड दिस इज द ट्रू लेंथ, ये बता दिया 75 mm ट्रू लेंथ बता दिया। नाउ प्रोजेक्शन, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है ना? तो इसी पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया, प्रोजेक्शन लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया। ओके, इतना तक करूँगा। जो पॉइंट मीन से लोकस ऑफ ए जब तक इंटरसेक्शन नहीं होगा, ये लोकस ऑफ ए है ना लोकस ऑफ ए। तो जब तक लोकस ऑफ ए तक इंटरसेक्शन नहीं होगा उतना तक मैंने प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया। जैसे इंटरसेक्शन किया तो दिस पॉइंट इज नथिंग बट बी टू प्राइम, है ना? अभी ए बी टू मेजर करके एक आर्क ड्रॉ करना है, जैसे मैं आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे आर्क ड्रॉ करना है, क्लियर? आर्क ड्रॉ किया। अभी ए बी प्राइम जो है ए बता दे, इसमें एक क्लू दे दिया जिसका फ्रंट व्यू है 55 डिग्री एंगल किया है ना 45 डिग्री एंगल किया है, मीन्स प्रोजेक्शन लाइन इन फ्रंट व्यू में एक्स वाई लाइन के रेस्पेक्ट में 45 डिग्री एंगल किया है। तो ए पॉइंट से 45 डिग्री एंगल से एक लाइन खींचना है, पॉइंट ए से एक लाइन खींच दिया मैंने 45 डिग्री एंगल। सो दिस 45 डिग्री इज नथिंग बट अल्फा, है ना? अल्फा एंगल 55 डिग्री एंगल से एक लाइन खींचा है। अभी जो ए आर्क ड्रॉ किया था एंड ए लाइन ड्रॉ खींचा हूँ, जैसे जहाँ इंटरसेक्शन कर रहा है दिस पॉइंट इज बी प्राइम। नाउ ए
प्राइम एंड बी प्राइम ड्रॉ करना है. सो दिस ए प्राइम बी प्राइम मिल गया. दिस ए प्राइम बी प्राइम इज द प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन ए बी. मीन्स ये जो क्वेश्चन था ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस इसका मिल गया है ना. नाउ फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन. हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टल प्लेन से विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन ट्रू लेंथ ट्रू लाइन कितना इंक्लिनेशन किया दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बताया था बी प्राइम मिल गया था. अभी बी प्राइम से एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया. ये प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर दिया. ओके एंड एंड लोकस ऑफ बी लोकस ऑफ बी टू ए बी टू पॉइंट मुझे मिला था पहले बी टू पॉइंट सॉरी बी वन पॉइंट मिला था. तो लोकस ऑफ बी मैंने लोकस ऑफ बी वन ड्रॉ किया. लोकस ऑफ बी ओके लोकस ऑफ बी ड्रॉ किया. नाउ ये जो प्रोजेक्शन लाइन एंड लोकस ऑफ बी जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है दैट पॉइंट इज द पॉइंट बी. ओके नाउ ए बी ए बी ए बी कनेक्ट किया है ना. मीन्स ए बी ए एंड बी ज्वाइन कर दिया मैंने ए बी. सो दिस ए बी इज ए प्रोजेक्शन लाइन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका प्रोजेक्शन लाइन है. अभी ए जो प्रॉब्लम है मीन्स दिस टू लेंथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टल विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन कितना एंगल किया है ये फाइंड करना है. तो हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितना एंगल किया मीन्स कहाँ मिलेगा वो वर्टिकल प्लेन में मिलेगा. तो वर्टिकल प्लेन में ट्रू लेंथ निकालना है. लाइन ए बी का ट्रू लेंथ निकालना है इन वर्टिकल प्लेन. कैसे करूँगा. सो टू लेंथ निकालने के लिए जो प्रोसीड्यूर है बी पॉइंट से ए एंड बी मेजर करके एक आर्क ड्रॉ किया. आर्क ड्रॉ किया सॉरी ऐसे मैंने एक आर्क ड्रॉ किया एंड लोकस ऑफ ए जहां इंटरसेक्शन कर रहा है दिस पॉइंट इज नथिंग बट बी वन पॉइंट. अभी बी वन पॉइंट से एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है. ओके एंड बी प्राइम मुझे मिला था बी प्राइम से लोकस ऑफ बी प्राइम ड्रॉ करना है. लोकस ऑफ बी प्राइम एंड दिस प्रोजेक्शन लाइन एंड लोकस ऑफ बी प्राइम जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है दैट इज बी वन प्राइम. ओके सो दिस इज द ट्रू लेंथ मीन्स बी वन प्राइम एंड ए प्राइम इज द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन ए बी एंड दिस एंगल इज नथिंग बट द एंगल ऑफ थीटा है ना. एंगल ऑफ थीटा. सो थीटा मीन्स थीटा का मीनिंग क्या है मीन्स एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना एंगल किया है. ये वर्टिकल प्लेन में मीट है मीन्स रेफरेंस से इसका लेना है हॉरिजॉन्टल प्लेन का. कितना टाइम हो गया सर. हाँ दो मिनट. हॉरिजॉन्टल प्लेन का रेफरेंस रहना है. तो दिस लाइन ए बी मेक्स एंगल और इंक्लिनेशन विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो ये जो प्रॉब्लम था ये भी मिल गया. फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन. क्लियर. अभी डाउट है. नो सर. तो प्रॉब्लम वन एंड प्रॉब्लम टू आई थिंक तो भी आया.
जस्ट मिनट, डू नॉट लीव एनी वन, इफ यू लीव देन द योर अटेंडेंस विल बी जीरो, मीन्स यू विल नॉट गेट द अटेंडेंस. ओके सो जस्ट 5 मिनट. So these four are the assignment I will upload in Colpool. Colpool में जो assignment section है उसी assignment section में मिलेगा, वहाँ से download कर लेना. And after solve these four assignment, upload your copy in Colpool. ओके, थ्रू कॉलपोल ही सबमिट करना है. एंड यू हैव टू सबमिट इट विद इन कमिंग सैटरडे. ओके सो सैटरडे इज द ड्यू टाइम, विद इन सैटरडे, कमिंग सैटरडे फोर जो प्रॉब्लम है, फोर असाइनमेंट है, इसको कंप्लीट करके असाइनमेंट सेक्शन पे अपलोड करना है. क्लियर? सर इस बीच एग्जाम है हमारा, फिर सर डेट थोड़ी सी. एग्जाम यू ऑन एग्जाम? यस सर. यू ऑन एग्जाम इंजीनियरिंग ड्राइंग लैब का यू ऑन एग्जाम नहीं होगा, इसका प्रैक्टिकल इसका थियोरेटिकल एग्जाम नहीं होता है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम ही होगा. एंड अगर उस टाइम अगर ऑफलाइन मोड में आ जाएगा तो यहाँ पर ही एग्जाम देना है, अदरवाइज वी हैव टू अरेंज ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम, ऑनलाइन वाइवा हो से. ओके सर. क्लियर? तो जस्ट मिनट, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ. डाउट नहीं है ना? अनु सिंह, मैं नाम बता रहा हूँ, प्रेजेंट अगर है तो प्रेजेंट करके बता देना. अनु सिंह, गाजी अब्बास, विशाखा, निकुंज शर्मा, जो जो प्रेजेंट है ना, इनबॉक्स में पी करके, तो पी टाइप करके भेज देना मुझे अभी, करो इनबॉक्स है ना. हाँ, पी टाइप करके भेज दो सब, जो जो प्रेजेंट है पी टाइप करके भेज दो, मैं कॉपी कर लूंगा. जिसका अटेंडेंस हो गया वो लीव कर सकते हैं.
थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर ओके एस गोअर शिवम गोअर यस सर सर न्यू स्टूडेंट यस सर मेल लिंक मिला था नो सर ऑनलाइन गूगल मीट का लिंक नहीं मिला है हाँ वो सर व्हाट्सएप पे मिला था वो तो ग्रुप में अच्छा व्हाट्सएप पे मिला था मीन्स मेल आईडी मेरे पास नहीं है ठीक है मैं भेज दे सर मैंने मैसेज में ऐड कर लेता हूँ और कल कॉल में भी मैं ऐड कर लूंगा ओके ओके सर थैंक यू Who mark your attendance, they can leave now. But all are requested to write in the chat box either P or present. Otherwise, you will mark as absent. Okay, sir. Leap. Up. Yes. Okay. Leap. Himanshu, Kuldeep, Himanshu. Yes, sir. Mark कर दिया attendance. Yes, sir. अभी leave कर सकते हो अगर mark कर दिया तो leave कर सकते हो Kuldeep. You can leave. सोना Kuldeep. पता वो भी देख रहा.